जून 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ। वहाँ हैरानगी की बात ये थी कि आप अंदाज़ा करें कोल्ड का, कि मैंने गर्मियों में गर्मी की वजह से तो एग्जॉशन देखी थी, सर्दियों में ये नहीं देखा था। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। जो शायरा है गोरा गोरा मैं, उसके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये हमारे शुमाली इलाका जार से गुजरती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे दिल से गुजरती है। तो वो कहने लगे जी कि अल्लाह ताला ने ये जो फौज भेज दी और जो चाइनीज आ गए, ये हमारे लिए नेमत है, हमारी तो नस्लें बदली हैं। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया, समझ गए। 8,000 फीट अबव सी लेवल दिस फोर्स विल फिनिश वेयर वी आर, वी विल ऑल फ्रीज। पेश किया मोहम्मद मुमताज़ खालिद है। मैं PMA 36 मेरा कोर्स है। 8 इंडियन रिटर्न से मैं इन्फेंट्री स्कूल गया, इन्फेंट्री स्कूल से मैं फिर प्लस टू आके KH में। मेरा नाम साजिद बशीर शेख है। 1970-71 में मैं कैप्टन था और 108 इंजीनियर बटालियन में कराकुरम हाईवे पे पोस्टेड था। ऑफिशिएटिंग कमांड जो मिली मुझे कंपनी की, वो मैं पहला कैप्टन था इस बटालियन में जिसको ऑफिशिएटिंग कमांड मिली, और ड्यूरिंग द KKH टेन्योर और किसी को ये कमांड एज ए कैप्टन नहीं मिली। मेरा नाम सबीउद्दीन बुखारी है और ये जो इंटरव्यू है उस पीरियड का है जब मैं कैप्टन था, अक्टूबर 1970 से अक्टूबर 1971 तक, जबकि मैं
कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था। ये कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहलाता है। दिस इज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं और एक कारपेटेड हाईवे जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये जो खुंजराब पास है जहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का, वो 16,500 फुट के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें वहाँ तक ये मेटल रोड बनी है, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए मशीनरी कैसे ऊपर जाती होगी और करती होगी। मैं इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये अजूबा है। जिस टेरेन में ये बना हुआ है, आप ये देखिए कि उसमें ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं, उसमें गॉर्जेज आते हैं, उसमें टनल्स बनी हुई हैं रॉक के अंदर, और जो बंदा हैरान होता है कि ये टनल्स कैसे बने। फिर 1965 में जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अबंडन कर दिया और एम्बार्गो लगा दिया हमारे ऊपर, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि चाइना ने हमारी हेल्प की। डिफेंस का सामान काफ़ी सारा जो है वो चाइना से आया, लेकिन चूंकि हमारा कोई रोड लिंक नहीं था तो सारे का सारा सामान जो है एयरलिफ्ट होकर आता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर फौज को डिस्ट्रीब्यूट होता था। जिस वक्त जंग ख़त्म हुई तो जनरल बहादुर शेर थे एक, उनकी सरबाई में एक डेलीगेशन गया चाइना गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने जिस वक्त इनका शुक्रिया अदा किया तो चुआ लाई ने कहा कि अगर हमारे दरमियान एक सड़क होती तो क्या हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आपको सपोर्ट कर सकते थे। शाह कोराकरम का जो प्लान हुआ तो बताया जाता है कि इन्होंने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को, बड़े इंजीनियर्स को भी एडवाइजरशिप के लिए बुलाया कि आप आके देखें कि इस टेरेन में इस नौयत की जो रोड है वो बन सकती है। तो एक जर्मन इंजीनियर ने एक फिक्रा कहा था, उसने सारी दुनिया में रोड्स बनाई थी, उसने जब उसका टेरेन देखा, उसकी डिफ़िकल्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट लेट द पाकिस्तानीज डू इट। ये उन्होंने तंजिया कहा था, मीनिंग देयर बाई कि ये रोड बनने वाली नहीं है। ये मैसेज फिर कन्वे किया गया जैसे फील्ड मार्शल यूप को, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेंट क्या थी, काम फौरी तौर पे शुरू किया जाए, फौरी तौर पे शुरू किया जाए, ना एस्टीमेट बना, ना PC1 बना, ना सर्वे हुआ, ना कोई और चीज़ हुई। तो इसलिए ये टास्क जो है ये आर्मी को दिया गया ताकि वो फौरी तौर पे इसको शुरू कर सके। दिस टास्क कुड बी असाइन टू एनी अदर एंटिटी। उसकी वजह यह है कि फौज ही एक ऐसा अदारा था जो इन सब मुश्किलात से गुजर सकता था। तो अगर ये सड़क को बना सकता था तो आर्मी बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता। वो एरिया ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं, कि कोई सिविलियन का कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी को काम नहीं कर सकती थी उस इलाके में। पहुंचना, रहना, उन लोगों को खाना देना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त फिर यू नीडेड टू अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी टू डू इट एक्सेप्ट फॉर आर्मी एंड आर्मी इंजीनियर्स।
की जिम्मेदारी दरअसल FWO के 491 और 492 ग्रुपों को सौंपी गई थी। मंसूबा ये था कि 492 ग्रुप बेशाम से गिलगित तक सड़क बनाएगा, जबकि 491 ग्रुप ने गिलगित से हुंजराब तक दोनों अतराफ से ये काम करना शुरू किया। तो एक सबसे पहले जून 1966 में दो बटालियन हमारी रेज हुई, 1 बटालियन और 151 मनियर बटालियन, चकलाला से एयर लिफ्ट हुई खुतन। औरली साइड पर जाया करती थी। एट द टाइम ऑफ माई पोस्टिंग टू KKH आई वॉज ए लेफ्टिनेंट। तो उस वक्त जो KKH में जिम्मेदारी थी, इससे पहले IVR की थी, जो कि आर्मी इंजीनियर सर अंजाम दे रहे थे। तो KKH की जो बिगनिंग हुई है दैट वॉज एट द एंड ऑफ IVR प्रोजेक्ट्स डेजिग्नेशन। उसके लिए पहला स्टेप जो था वो ऑफिशेटिंग CO ने जो लिया, मेजर मुख्तार ने, वो था कि उन्होंने दरबार होल्ड किया। तो उन्होंने ये कहा कि ये सड़क जो बन रही है ये हमारे मुल्क के लिए आइंदा सालों में फ़ायदेमंद खाली नहीं होगी, बल्कि हमारी जो आगे नस्लें आएंगी उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये था पहला स्टेप जो कि उस यूनिट में लिया गया था, और उसके बाद लोग जो थे वो काफ़ी जोश जज्बे के साथ KKH मूव हुए थे। अब वो फोर्स तो पहुंच गई थी लेकिन उनके लिए इक्विपमेंट नहीं था कोई भी। तो ज़रूरत इस बात की थी कि त्रास एयरफील्ड को इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि उसके ऊपर जहाज़ उतर सके। तो फिर अमेरिकन्स को कहा गया कि आप हमारी मदद करें। तो अमेरिका की एक टीम आई जो कि फ्रांस से उन्होंने अपने जहाज़ ले के आए C-130। उन C-130 से मशीनरी जो है वो ड्रॉप की गई त्रास, ठीक है, जिसमें ग्रेडर, जिसमें डोजर, जिसमें रोलर्स जो थे ये ड्रॉप किए गए वहाँ पर। उससे फिर जो रनवे को है वो स्ट्रेंथन किया गया, उसको रनवे को स्ट्रेंथन करके फिर चार्टर्ड PIA फ्लाइट से सामान जाता था और वो चलास होता था, फिर वहाँ से इस्तेमाल होता। इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये तो लाजमन है कि प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगे, लॉजिस्टिक्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। वी ओनली हैड दो थ्री थिंग्स दैट व्हिच आई हैव मेंशनड, कि आपके पास चीज़र थे, हैमर थे, क्रोबार था, और उसी से हम रॉक फेस को क्रैक करते थे, क्रोबार से बोल्डर निकाल लेते थे और बड़े लॉग्स से उसको धक्का दे के नीचे फेंक देते थे। हमने जब ये रोड बनानी शुरू की हमारे पास कोई कूपन नहीं था, कोई मशीनरी थी, हमने सड़क गेंती बेलचों से शुरू की थी और गेंती बेलचों से हमने इसके पायलट कट किया।
माइंड यू पायलट कट जो था, इनिशियल जो फर्स्ट कट होता है उसको पायलट कट बोलते हैं, वो पायलट कट जो था इसका शायद 14 फुट था। हमने 14 फुट की रोड गिनती बेलचों से बनाई। जब शीशगढ़ पे सैलाब आया तो वो वहाँ पे बंद बन गया और सड़क बंद हो गई, तो उस वक्त रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे एक बिल्ली सस्पेंशन ब्रिज और लॉन्च किया जाए। जब वो लॉन्च किया गया तो उन्होंने कहा कि वो गिलगित वाला ब्रिज जो है वो किसने बनाया था, उन्होंने कहा वो अरबी खान ने बनाया था। मेरा नाम मोहम्मद अरबी खान है। 70 में मैं पहला पोस्टिंग मेरी गिलगित हुई थी KKH पर 104 इंजीनियर बटालियन में। वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी को टास्क दिया कि इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज लगाना है फॉर दी हैवी व्हीकल्स, ताकि कुंजा रिवर क्रॉस करने के लिए। तो आप जगह सेलेक्ट करनी थी कि किस जगह पर ये बनाया जाए। जो सस्पेंशन ब्रिज है उसका मैक्सिमम आप जो स्पैन के गुंजाइश थी वो 2 इंच होती है मेजरमेंट में, क्योंकि अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली नहीं है तो जब आप उसको लॉन्च करते हैं होती है तो उसमें सिर्फ 2 इंच की गुंजाइश होती है। दैट वाज डिफिकल्ट पॉइंट हाउ टू गेट इट। मेरा मतलब है आपने 400 फुट का दरिया के अक्रॉस नापना है तो किस तरह नापा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब कह देती है ना बनाओ तो हम फिर ये कहते हैं बनाओ भेज दो बंदे। अगर आपको पता नहीं आपका इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ जनरल जावेद नासर का, नहीं हुआ भी आपने किया होगा, उसको ड्रॉप किया जनरल जावेद नासर जो ENC में रहे हैं और एफ में रहे हैं, उनको चाइना के बॉर्डर पर ड्रॉप उधर किया गया। जनरल जावेद नासर वॉज पार्ट ऑफ 101 इंजीनियर बटालियन और मेरे हिसाब से 101 इंजीनियर बटालियन बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते रहे। तो जनरल जावेद नासर का वो एसोसिएशन बहुत पुराने हैं 101 इंजीनियर बटालियन को रेज करके, तो वो लोग वहाँ गए थे। तो द अदर एंड ऑफ द रोड दैट इज़ फ्रॉम पंजाब डाउन स्ट्रीम्स, ये उसके हालात जो हैं वो जनरल साहब बहुत अच्छी तरह से आपको, एंड दे वर रियली वेरी डिफिकल्ट डे। इन जून 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ। अगले दिन सारे पर्टिकुलर से गवर्नमेंट लेटर जो है वो आ गया कि यू विल बी द अकाउंट्स फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप विच इज़ गोइंग टू चाइना। अभी तक ये नहीं बताया था कि सड़क बनाने के लिए जो है ना एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स का हमने जो आदमी सिलेक्ट किए हैं उसके तुम इंचार्ज हो। तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये सड़क बननी कहाँ पे आया, तो उन्होंने कहा कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर से शुरू करनी है हमने और फिर इसको गिलगित लेके आना है। कि अगर चाइना के बॉर्डर से ऊपर हमने इधर आना है तो वो तो 10,000 से भी ऊपर होगा। वो जगह का नाम बताएं ताकि मैं नक्शे में से देख सकूँ कि उसका आल्टीट्यूड क्या है। तो मुस्करा के उन्होंने कहा कि अभी तुम जाके मैप को देखोगे तो खुंजराब ढूंढना चाइना के बॉर्डर का। तो बड़ी मुश्किल से अगले दिन जो है वो खुंजराब को ढूंढा तो उसका आल्टीट्यूड जो था नक्शे में दिया हुआ था 16,500। तो ये लोग जो गए थे प्लेन तो पंजाब से उठ के वहाँ पे उनको एकदम डाल दिया गया था। वहाँ पे कोई एक्लमटाइजेशन नहीं हुई थी, कोई किसी को वहाँ पे उनकी वो तरबियत नहीं हुई थी, कोई किसी को बताया नहीं गया था कि ये होगा। दे वर जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम दिस प्लेस एंड प्लेस्ड देयर टू कंस्ट्रक्ट द रोड। Nobody had the foggiest idea कि खुंजराब कैसा है, किस जगह पे है, उससे साथ आबादी किनकी है। तो मैंने कहा कि जी उधर 150 आदमियों को आप जो है इतने आल्टीट्यूड पे भेज रहे हैं तो वो तो सारे के सारे लेट जाएंगे, एंड देर इज़ नो डॉक्टर इन द एडवांस पार्टी।
नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जिस वक्त खुंजरा फोर्स को वहाँ पे लॉन्च किया गया है, उस वक्त तक आपका आपकी ना गवर्नमेंट सेंक्शन आई थी फॉर रेजिंग ऑफ यूनिट्स, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन थी, ना यूनिटें खड़ी हुई थी। सिर्फ सोचा गया था कि ये यूनिटें बनाई जाएंगी। पीपल वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर, दे वर प्लेस्ड एट हिसारपुर फ्रॉम टाइम, पुट इनटू द एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू चाइना। उनका तुम उधर से शुरू करो, वो भाई खुदा के बंदे हैं, आप लॉजिस्टिक उनको कैसे देंगे? इधर चलो अपना है, क्योंकि PWD ट्रैक था वहाँ पे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो कि मैंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने कहा जी 150 C-130 में जाएंगे कैसे? उन्होंने सारी की सारी सीटें सब कुछ जहाज के अंदर से जो है ना रिमूव कर दिया हुआ था। और अभी हमने ट्रुप्स जहाज में बिठाने नहीं शुरू किए। मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी द अरेंजमेंट्स आपने जो बनाई हैं। तो वहाँ पे 4 रस्सियाँ, मोटी रस्सी, वो जहाज़ के अंदर टेल से लेके आगे तक कॉकपिट तक जो है ना, उन्होंने 4 रस्सियाँ जो थी ना वो उसरे बैठे पका के आपके आदमी जो हैं यहाँ पे आके एक एक जो है वो 40-40 की बैठेंगे। आज तक मैंने इस तरह C-130 के अंदर लोगों को जाते नहीं देखा। हम जा रहे हैं चाइना के अंदर। जो खुंजरा का इलाका है वहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। एक तो वेदर का प्रॉब्लम था, एक्सट्रीम कोल्ड। दी वेदर वॉज वेरी वेरी कोल्ड, इतना कोल्ड कि आप लोग यहाँ बैठकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दूसरा हाइट, हैविंग नो कम्युनिकेशन विद पाकिस्तान। हम सबको ये प्रॉब्लम था कि हम अब करें क्या, क्योंकि सितंबर के एंड के बाद जो है सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी। अक्टूबर जिस वक्त शुरू हुआ तो हमारे 5-6 आदमियों के हाथ काटने पड़े। वो पत्थरों की टेम्परेचर जो है, जो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर थी, उससे भी तकरीबन थोड़ी सी नीचे ही होती थी। तो वो जो पत्थर जो है ना वो चिमट जाते थे हाथ को। तो ये सबसे जो डेंजरस चीज़ हुई थी वो हमारे साथ ये हुई थी दैट इफ़ यू डोंट ब्रिंग दिस फोर्स टू लोअर ऑल्टीट्यूड, दिस फोर्स विल फिनिश वेयर वी आर, वी विल ऑल फ्रीज। और इतनी हाइट पे ऑक्सीजन नहीं है, हर 2-3 कदम के बाद थोड़ा रुक के 2-4 सांस लेने पड़ते हैं, ये हालत होती है उधर। और बंदा ये गिलास फिर नज़र आ रहा है, गिलास है, बंदा यही पता लगता है कोई नुकता है हाइट से, बर्फ़ में यही पता लगता है कोई नुकता है किसी चीज़ का। बेशुमार स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म, रेन, और रोड ब्लॉक ही रोड ब्लॉक थे, और हवा के भगोले चल रहे थे, रेत उड़ती थी। आप पानी फेंकें सड़क, कच्ची सड़क के ऊपर उधर जम जाता था। कोई कतरे अगर किसी पानी के आपके गिर जाए बदन में, जब जा रहे हैं तो फ्रीज हो जाना। अब वहाँ पे यकीन नहीं आएगा किसी को, सारी की सारी फोर्स जो थी ना वो लेट गई, उस पर हाइट इफेक्ट जो हुआ, उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। सबसे बुरी हालत डॉक्टर की थी। डॉक्टर जो था वो, मैंने कहा कोई इसकी दवाइयाँ होती हैं? मैंने कहा कोई हाई आल्टीट्यूड की दवाई नहीं होती। आपके नज़दीक ये सुस्त मुस्त एरिया में फंस गए, उनको कोई मुश्किल हुई तो उन्होंने एक सिग्नल दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये आर्डर दो कि जी प्लीज़ एक इमीडिएट एक्शन लें। तो इधर से जवाब गया सिग्नल का कि जी प्लीज़ जस्टिफाई व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। तो आगे से वो उन्होंने जवाब दिया, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क।
अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। हुंदा के लोग हैं स्पेशली फ्रॉम गिलगित ऑनवर्ड, पीपल वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। नेचुरली चूँकि हुंदा के मीर के साथ सरकार अच्छे थे, इसलिए लोगों के साथ भी सरकार उस हिसाब से अच्छे थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड। मेरा इलाका तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था, ये तो था इंडस कोहिस्तान में, ये जो बिशाम से चिलास तक का इलाका है। तो इंडस कोहिस्तान ऐसे लोग रह रहे थे जब IVR बन रहा था इंडस वैली रोड, कि जैसे वो स्टोन एज में होते हैं। वो रोटी जो है, ये जब हम कराकोरम हाईवे बनाने के तब की भी बात कर रहा हूँ, कि रोटी जो है वो पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर बनाते थे। तो पहले तो वो स्केर्ड थे कि ये तो मामला वो है कि जैसे आपने अभी कहा कि जी ये शायद टेक ओवर ही कर लेंगे या क्या होगा। लेकिन जब उनको ये फ़ायदे नज़र आने शुरू हुए, हमारी लेबर फोर्स में भर्ती हुए, उनको पैसे मिलने शुरू हुए, वो अपना लिबास खरीद सकते थे, अच्छा खाना मुहैया, हमें देखा उन्होंने कि ये कैसे खाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, तो वो जो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हुई उनको, उनको में लाइफ चेंज आ गया। मसलन राशंस में हमें मीट एंड हूफ जो था वो था, बकरे हमें देते थे, तो जो उनके विलेज हेडमैन थे या नंबरदार जो अच्छे करते रहते लोग थे, वो फिर हमारे ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर हो गए, और उनकी लाइफ जो थी वो नोमैडिक लाइफ से फिर सेटल्ड लाइफ की तरफ आनी शुरू हो। और जैसे जैसे हम देखते थे कि उनके जो हालत दुरुस्त हो रही है, इम्प्रूव हो रहे हैं, उनके वो सेहतमंद हो रहे हैं लोग, कुछ उनके चाल ढाल बेहतर हो गई है, कोई उनका मुंह पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई है, तो ये हमारी मोटिवेशन थी। पहला ट्रक जब जुगरोट में पहुंचा तो हमारे बड़ों ने क्या किया, ये क्या खाती है, हाँ ये घास चारा खाती है, तो एक ने पत्ता क्या ये पत्तों का बड़ा एक गठल आकर उनके सामने रखा, ये खाती। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक संतरी खड़ा हुआ था, तो आखिरी गाड़ी थी, उसने देखा उसके अंदर एक बाबा बैठा हुआ है, बारिश आदमी है, बड़ा रोबदार, बड़ा अच्छा। तो उसने कहा, वो संतरी था, पायलट था, फौजी नहीं था, उसको बाबा जी ये झंडा लो और अपना हाथ बाहर रखना, और उसे अगले पास जाके ना वो संतरी ने झंडा बढ़ा देना। तो बाबा जी ने झंडा ले लिया, वो झंडा ले लिया और उसको लेके चल पड़े। बाद में पता चला वो बाबा जी थे, वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, सरदार अब्दुल कयूम। वो जो मैंने आपको बताया पहले कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक हम किया करते थे दरबार के बाद, उसमें फिर वो स्किट्स वगैरह पेश करते थे जो जवान होते थे, तो व्हाट आई सा कि वो कह रहा है उसको, ओए कमांडर आ गया, वो थोड़ा आ रहा है, सीधे हो जाओ। तो मेरा नाम, मेरे कोर्समेट्स ने राइट फ्रॉम PM में हथौड़ा डाला हुआ था। तो खुंजराब से थोड़ा सा पहले, टॉप से पहले, कहते कि वो एक कंप्लीट हर्ड ऑफ कम से कम 40-50 मार्को पोलोशी वो सामने नजर आया जा रहा है ऊपर, और दूरबीन से नेकेड आई से नोटिस नहीं बता करता है ना, क्योंकि बर्फ है और ये होता है। मैं बड़ा अपने आप को फन्ने खान समझ के, मैंने कहा मैं आगे से ऊपर चढ़ता हूँ और आगे से होके इनको पकड़ते हैं। When I started with that rifle, मेरे ख्याल में 50 गज गया होगा, मेरा सांस फूट गया। And I heard that, वो किधर तो मैं किधर, भाई मेरा यहाँ से आदमी मेरे ख्याल में क्लाइम किया होगा 50-60 गज। Literally, I was breathless.
उसको शेयर करना, उसका हिस्सा बन जाना। और वहाँ पे एक जो रिश्ता था ना, वो अदब का रिश्ता था। वो लोगों को पता था कि ये हमारा ऑफिसर है, इसके साथ हमने किस तरह बिहेव करना है, क्या करना है। मजाक भी चलता था, गपशप भी चलती थी, डांट डपट भी होती थी, लेकिन उसको लोग उस तरीके से नहीं लेते थे जो कि जिससे वो हर्ट हो। तो इस तरीके से हम एक बहुत अच्छी टीम के तौर पे वहाँ पे। और उसमें खदशात भी होते हैं और जान जाने का खतरा भी होता है। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने दे वेंट बियॉन्ड देयर ड्यूटी। एक सैपर की शहादत हर किलोमीटर पे हुई है। मेरा ख्याल है ये आप बहुत कम बता रहे हैं। उन तमाम लोगों की शहादतें इसमें शामिल होनी चाहिए जो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे। मसलन ये हमारे सैपर्स के साथ वहाँ के जो लोकल्स लेबरर्स काम करते थे। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया, समझ गए। अगर स्लाइड आ गई तब भी ख़त्म, अगर कोई और कोई मसला, बारिश पानी आ गया तब भी ख़त्म। यानी दो तरीके थे बचने के, एक दुआ से और एक तौबा से, बाकी उधर बचा नहीं है कोई। उधर से गड़ 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 की आवाज आई एंड आई सॉ ब्लैक स्मोक। और ये तीन बंदे रास्ते बीच में हैं। ये वो था जो बंदा पत्थर पर खड़ा था, मैंने कहा आपको, हमने देखा ना, वो इतनी ऊंची थी, बड़ा बोल्डर था, हाइट ऑफ अबाउट दिस रूम, वो उस ऊपर खड़ा हो गया कि साइडों से निकल जाएगी। तो आई सॉ इट माई सेल्फ कि जब वो आई है लैब पर पीछे वाली, इट वॉज अबव हिज हाइट एंड आई सॉ हिम, उसको जब लगी ना तो गिरते हुए। लेकिन उसकी वजह ये हुई, जब हमने पहाड़ों को उड़ाया तो उसमें से वो वहाँ तो आप बच गए, लेकिन जो पहाड़ थे वो नरम हो गए। ज़मीन जो थी ना उसके उस एक्सप्लोजन के, उनकी वजह से ज़मीन नरम हो गई। तो वो उस वक्त तो ठीक रही, बाद में आप चल रहे हैं आला पे सर, अचानक ऊपर से स्लाइड आ गई, तो जो बेचारे उस स्लाइड में आ गए शहीद हो गए। तो सीटियाँ बजी तो वो जो सिविल लेबर थी, वो जो काम कर रही थी उस वक्त, वो बेचारे कंफ्यूज होके जब भागे हैं, तो वो तीन अफराद ऐसे थे जो उन्होंने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ वो पत्थर लुढ़क रहे थे। बजाय इसके कि वो साइड पे आ जाएं, वो उधर ही भागना शुरू किया। लास्ट जब आप करते हैं ना रॉक को, तो फिर वो हिल जाती है उसका स्ट्रक्चर सारे का सारा, वो तो ऐसे हो जाता है ना फिर। तो जब लास्ट करते हैं तो इट वॉज लाइक दिस, सारा डेब्रीज जो हैं और वो है, कोई तो दरिया में गिर जाती थी तो बाकी ये बन जाती थी। अब इस जगह को आपने डेब्रीज से कटानी है सिर्फ, जो ऊपर से ब्लास्ट हुई है। तो ये करते हुए जवान यहाँ पे वो लड़के तो बेलचा मारे थे,
तो ऊपर दो बंदे साइडों पर उनके इधर रस्सी डाल के ना, तो वो उनको पकड़ा हुआ था कि कोई अगर कुछ ऐसा ना हो तो वो जो रस्सियाँ बांधी हुई थी ना वो उसे छूट गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा ऊपर से स्लाइड आ रही है और वो बेचारे दे वेंट डाउन दो टू चैप्स। जब तो सड़क की अभी एक इंच भी नहीं बनी थी उस वक्त, चार आदमी हमारे जो थे वो उसी वजह से शहीद हुए थे आल्टीट्यूड की वजह से। देखें, नेचर टेक्स इट्स कोर्स, उसको कभी आप बंद बांध के नहीं रख सकते। सैलाब आते हैं, मोस्ट एडवांस कंट्रीज में भी सारा कुछ होते हैं, तो यहाँ भी नेचर बड़ी स्ट्रांग है। भुरभुरे पहाड़ हैं, कोराकोरम मीन्स काले भुरभुरे पहाड़, और उन्होंने गिरना है हाफ वे बिटवीन सुस्त एंड खुंजराब। शेपर्ड्स अपनी बकरियों को लेके जाते थे, तो उन्होंने किसी तरीके से या जो सुराख उनमें थे उनके अंदर लकड़ियाँ डाली हुई थी और उसके ऊपर फट्टे डाले हुए थे, तो वहाँ पे जो है ना सबको खड़ा करके उनको डेमोंस्ट्रेशन दिलवाई गई कि तुमने यहाँ से जिसको गुजरना है ना तो तुमने पहाड़ की तरफ वर्टिकल जो है ना उसके ऊपर उसकी तरफ देखना है और मुड़ना नहीं है। अगर तुम मुड़े तो तुम्हारा जिस वक्त बिस्तर लगेगा पहाड़ को जो वर्टिकल फेस को तो वो तुम नीचे गिर जाओगे। फोर पीपल डाई। मेरी यूनिट में एक एक्सीडेंट में 22 बंदे मेरी आंखों के सामने 22 बंदे, और माइंड यू वो जो पत्थर उनके ऊपर गिरा कर उस पत्थर को हमने ब्लास्ट करके उड़ाया, उनकी लाशें निकाली। पैनामा कनाल जो बनी, हूवर डैम बनी, वो अमेरिका जो के दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था उसने बनाया, जो दुनिया का टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड कंट्री था उसने बनाया। हमारा यहाँ पे जो ये मार्वल है वो तो ये है कि हमारा ये सारा ह्यूमन एफर्ट इस पे लगा है। ह्यूमन एफर्ट, हमारे पास भाई वहाँ पे कंप्रेसर नहीं जा सकता, वहाँ पे बुलडोजर नहीं जा सकता, सड़क ही नहीं है ना, भी कैसे जाएगा। इट इज़ द फैक्टर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर मैन पावर, क्वालिटी ऑफ द आर्मी मैन पावर, सीधी बात है। ये बंदे जो इतने शहीद हुए हैं ये ऐसे ही तो नहीं हो गए। किसी बंदे ने ये तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं नहीं करता, हो सकता है मैं मर जाऊं, किसी ने तो ये नहीं कहा। आई फील कि KKH जो है इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानीज, दैट शोज व्हाट वी कैन अचीव इफ वी वांट टू, और कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कराकोरम हाईवे की सिग्निफिकेंस खाली पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, और ये खाली हमारा ही एक वेंचर नहीं है, ये दो मुल्कों को ज्वाइन करता है, चाइना और पाकिस्तान दोनों, और अब इट कैन एक्सपेंड, इट कैन ज्वाइन द अदर कंट्रीज आल्सो, इंटरनेशनली इट कैन बी यूज्ड। 随着这条天然的屏障被超越、被征服。 中巴两国之间的友谊便也达到了一个新的高度。过去40多年来，这条中巴唯一的陆路通道和贸易走廊，一直视为中巴两国友谊的象征。它不仅拉近了两国关系的时空距离，它也见证了中巴关系持续发展的每个时刻。Reaching new heights. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway. It's one of the highest paved roads on earth. It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan. GGFW, तो उन्होंने कहा कि हर ग्रुप कमांडर कोई आर्टिकल लिखेगा, तो 87 में मैंने एक आर्टिकल लिखा, जो मैंने लिखा तो देखते देखते तो मैंने FWO पे लिखा, तो आई कॉल्ड इट अ फैबुलसली वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे लाइफ कैसी थी उन खेतों में और किस तरह के ऐश ने उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया। जिस तरह चीज़ें खाने पीने की वहाँ जा रही हैं, गोश्त जा रहा, वहाँ कुछ भी नहीं था पहले, तो रहने को जगह नहीं होती थी। वो तो ये जो एक्सपीडिशन जाती थी, लोग इनको अपने घरों में ठहराते थे। अब वहाँ प्रॉपर होटल हैं और ये सारा उनका जो इकोनॉमिक बूस्ट मिला है उनको, ये कराकोरम हाइक की वजह से मिला है। उनके हैंडीक्राफ्ट्स को आप देख लें, उनकी शॉप फुल हैं उससे। वो अब अपनी चीज़ों को गिलगित बल्तिस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अभी तो माशाल्लाह रोड के पास आप खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के जिस शहर में भी आप जाना चाहें तो गाड़ी आपको मिलेगी। दूसरी एक और बात यह है कि जो कराकोरम हाईवे पे आप आज चलते हैं ना, मैं उसके चलने के बाद गया हूँ, एक या दो दफ़ा गया हूँ कराकोरम हाईवे, तो आई फेल्ट रियली प्राउड यार, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस। तो उनको टूरिज्म की वजह से वेरी बिग इकोनॉमिक बूस्ट मिला। तो वो कहने लगे जी कि अल्लाह ताला ने ये जो फौज भेज दी और जो चाइनीज आ गए, ये हमारे लिए नेमत है, हमारी तो नस्लें बदल गई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दिल जीता है, ये एक अजूबा है जो उन्होंने सर अंजाम दिया हुआ है, और इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और इस मुल्क का हिस्सा है। अगर FWO वाले ये रोड न बनाते तो यहाँ के लोगों का जहन लाजमी लामहला तौर पर दूसरी तरफ जाता था। अब ये रोड बन गया तो अपने मुल्क के साथ अभी पाकिस्तान को अपने सीने से लगाते हैं। कहता हूँ कि ये जो है, जैसे 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड हैं, इस सड़क का बनाना जो है इतनी डिफ़िकल्ट और इस कदर मुश्किल, वहाँ पे लिविंग वाज सो डिफ़िकल्ट, सर्दी से बचना, खाने के आपके वक़्त नहीं है, सारी चीज़ों का, उस लिहाज से तो ये जो सड़क बन गई है, इट इज़ अ मिरेकल।